चुनाव यात्रा को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर के सदर विधानसभा में सेमरी बाजार में हम मौजूद हैं। यहाँ गुजरते हुए देखा हमने काफ़ी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, गंभीर लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के विधायक के बारे में बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सीताराम वर्मा यहाँ के विधायक हैं। पिछले चुनाव में वो विजयी हुए थे। कैसा रहा परफॉर्मेंस, क्या अब उम्मीदें हैं, इस बारे में हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। आपके विधानसभा में इस बार क्या लगता है, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? मुद्दा नरेंद्र मोदी योगी, यही मुद्दा रहेंगे। और उन्होंने देश हित में जो काम किया है, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए योगी जी, गुंडों माफियाओं को उन्होंने यहाँ से या तो जेल पहुँचा दिया या तो ये इलाका छोड़ के भाग गए। गरीब जनता के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है योगी जी ने। आज तक सबको फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री पैसा मिल रहा है, सारे कुछ जो है ये सब योगी जी और मोदी जी कृपा से। आज तक इस कोरोना काल में जितना इंजेक्शन उन्होंने लगवाया, जितने लोगों को कोरोना काल से बचाया है, सब योगी और मोदी जी की कृपा है। लेकिन नौकरी वोकरी को लेकर सुनने बड़े परेशान हैं, यहाँ के लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। आप कल्पना कर लीजिए, यही हमारे इस क्षेत्र के कम से कम 20 बच्चे, कोई पुलिस में हुआ, कोई मास्टर हुआ, कोई अध्यापक हुआ, तमाम टीचर हुए बगैर पैसे के। ये पहली सरकार है कि जिसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो वास्तविक पढ़े लिखे बच्चे थे, वो अपनी अपनी नौकरियों पर गए हैं। तो सरकार के काम काज ये सबसे सब आपको संतुष्ट हैं? हमारे सब मोदी दिए भैया भाग के मोदी क्या कि जो मोदी जी थोड़े ना चुनाव लड़ते यहाँ से, अब वही लड़े या न लड़े उन्हीं के नाम पे वोट पड़ेगा। तो महंगाई उंगाई कुछ है कि नहीं? महंगाई तो जैसे सब कबा वैसे न हो कबा। आपको गुस्सा नहीं आता महंगाई से? आए कहे ना, जब एक का तीन बिकाए तो अब ये तक खा दिए, देखा था 12-13 में मिलत गया। महंगाई है जाना ना, तो सबके राज में वही रहा है जब हल तो हुआ था। तो मोदी जी के नाम पे बड़े खुश हैं, महंगाई को मानते भी हैं कि हाँ महंगाई है, गुस्से में भी हैं, लेकिन बड़े लॉजिकली कहते हैं कि सबके राज में तो यही था, यानी कुल मिला के संतुष्ट हैं जी। वोट देने जाएंगे इस बार क्या सोच के जाएंगे? मोदी योगी के दिए, चाहे जो विधायक हमारे यहाँ से भाजपा से पाए वही के दिए। अभी जो विधायक है उनसे खुद संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। बड़ा बेरोजगारी है, लड़कन को नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है? नौकरी मिल गया जो योगी मोदी और कई हैं और का कौनो सरकार ना के हिसाब तक ली का किए योगी मोदी, बहुत कुछ कई दे हैं। किसान के लखा निध दे दे हैं, गैस चूल्हा दे दे हैं, आवास समय दे दे हैं, समय योगी मोदी काम के हैं और काम करे। अब ऐसा कुछ बात जो लग रहा है कि होना चाहिए हुआ नहीं? नहीं ऐसा कौन बात ही नहीं है, सरकार में सब देखा सब वही देखा। हम भाजपा ही है, भाजपा के बनिया ही हम, भाजपा को वोट दे चाहे जे विधायक चाहे जो टिकट पाए। बड़ा महंगाई आ गई है, महंगाई आएगी बस सबके ऊपर। महंगाई महंगाई कहे ना, एक गाँव में एक मोटरसाइकिल रहते, एक गाँव में सब मोटरसाइकिल, महंगाई ना आए। हम बीजेपी सरकार से बहुत खुश हैं, हम नौजवानों को नौकरी भी मिल रही है और जो है हमारे यहाँ जो है। आपको नौकरी मिली? नहीं, हम तो बिजनेस करते हैं, फास्ट फूड का कार्य करते हैं, हम खुश हैं अपने बिजनेस से। क्या लगता है ऐसा भी कोई मुद्दा है जो लगता है कि सरकार के खिलाफ में जाएगा? नहीं, सरकार तो यही रहेगी बीजेपी की, हर हर मोदी घर घर मोदी। भैया कार्यकाल बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म है, कुल मिलाई के जैसे खाद बीज और सब पे सब्सिडी आती है, डायरेक्ट बेनिफिट खत्म मिलती है। अब छूट पुट आदमी तो कुछ ना कुछ जरूर, चाहे द्वेष बस चाहे जात पात बस, ये जरूर नाराज रहते हैं, लेकिन बाकी सब भाजपा के पक्ष में लगभग 70% यहाँ आप पूरी हमारे यहाँ सदर में पूरा लम सम समा। किसानों की क्या लगता है, किसानों की समस्या कैसी है? ना किसानों की समस्याएं थी लेकिन अब है नहीं, क्योंकि डीएपी की कमी बीच में पड़ी वो भी सरकार ने पूरा किया। किसान सम्मान निधि पा रहा है, अपनी फसल ले जाने के लिए कांटे लगे हैं, अभी खरीद नहीं चालू हुए लेकिन कह रहे हैं खरीद हो जाएगी 2-4 दिन 10 दिन में,
तो सारी प्रक्रिया कुल मिला के ठीक है और सरकारों की अपेक्षा। ये बताइए आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या दिक्कतें और समस्याएं हैं? दिक्कत तो कुछ नहीं ना साहब, दिक्कत कुछ नहीं ना, सब ठीक है भाई। जैसे सब परेशान रहे जो ने स्थिति में काफ़ी सब भले आए साहब, रसनों पानी 5-4 बजे कहीं नाए बाय मान लिया खाए कि कोनो प्रकार दिक्कत बा, चावल या गेहूँ या कुल मिलते ही बा, उल्ट 2000 रुपया वो मिलत गया सबका खाए दिए 2-3 महीना। हम सब 60 साल के ऊपर ही पेंशन ही मिलती गया, तो हमें इसका दिक्कत कुछ नहीं। गवर्नमेंट से हमेशा बहुत निहाल ही बहुत खुश रही, कर काम से हम सब बहुत खुश हैं और ऐसी सरकार आएगी नहीं, पूरे विश्व में नाम कर दिया है मोदी जी ने, योगी जी ने आएगी। सपा कह रहे हैं कि इस बार योगी बाबा जा रहे हैं भाई, ये तो दुनिया है सब कहेगी, कोई कहेगा जा रही, कोई कहेगा आ रही है, जिसके दिमाग जो आएगा वो कहेगा जरूर, लेकिन हम लोगों के दिमाग में नहीं है कि जाएगी, तो सरकार बनी रहेगी, सरकार बनी रहेगी बनेगी। आप बताइए आपको कुछ लगता है सरकार में कुछ कमियां भी हैं? हमारी तरफ से भैया कोई कमी नजर नहीं आती है, क्योंकि हर तरफ काम बढ़िया हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इतना बढ़िया बना दिया, उसके बाद लोगों महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला, आवास मिल रहा सबको, कोरोना इंजेक्शन फ्री में सबको लगा। हमारी तरफ से बढ़िया सरकार है योगी जी की और मोदी जी की, पूरे विश्व में मोदी मोदी का नाम हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम हो गया है, कोई सरकार कर नहीं पाई थी। आप बताएं, अरे वोट वोट देने जाती है ना, वोट दे खाली जाए थे, हमारा सबका कुछ मिल भाई ना करत, कॉलोनी सलोनी का वोट खाली वोट दे ही थे बस, कुछ आज तक मिल भी ना किया, नहीं कुछ ना पाए हमारे से। ई के हैं खाली राशन मिलत बाबा, ई के हैं हमारे मालिक हैं, और अरे मालिक हैं तो आर मालिक तो कहन के बड़ा खुश है, बहुत कुछ मिलत है। अरे तो वो खुश हैं, रुपया पावत हैं, वो हमारे सबका मिलते नहीं ना था, हम काजी खुश रहे। हां भैया आप इनके मालिक हैं, हमको आवास नहीं मिला है और सबको तो मिला है, हमको देखिए ये इस यात्रा में पति पत्नी मिल गए हैं। हम बात करते हैं, ये कहती हैं कि हम तो खुश नहीं है, अब पति कहते हैं खुश हैं। मान लीजिए हमको आवास नहीं मिला है, गांव भर को तो मिला है। हाँ ये कह रहे हैं गांव भर को तो मिला है। हाँ गांव घर मिला है, लेकिन हमारे सबका तो नान मिला, कुछ न गैस मिली और न तो कॉलोनी मिली हमारे। तो ये थी सुल्तानपुर की जनता, सदर क्षेत्र की जनता, सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता। यहाँ एक बड़ा अच्छा देखने को मिला कि लोग कह रहे हैं हमें ये सुविधा नहीं मिली। अभी एक पति पत्नी मिल रहे, उन्होंने कहा कि हम तो देंगे मोदी को ही, हालांकि बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पे इस बार मतदान होगा, खासकर इस विधानसभा में। यानी सरकार के काम से यहाँ के लोग तो संतुष्टि हैं। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।